नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जंतु विज्ञान की शॉर्ट श्रृंखला वीडियो में ये लेकर आए हैं साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन ए इसका नाम है। ये बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट में खासकर पीजीटी या एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप जानते हैं, जंतु विज्ञान शॉर्ट वीडियो में 10 आंसर देने की क्षमता रखता है। तो क्या इस साइक्लोस्पोरिन में हमारे कितने आंसर होंगे, किस टाइप से एग्जाम में आएगा, क्या हमको याद रखने की चीज होगी, आप देख पा रहे होंगे सिंगल पेज की स्लाइड कितनी इंपॉर्टेंट है। आइए, तो साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। दो आंसर लगे हुए हैं यहां पर। साइक्लोस्पोरिन ए किससे निकाला गया, तो बैक्टीरिया से, फंजाई से, वायरस से। तो उस आधार पर यह सवाल एक हो गया कि फंगस से निकाला गया। दूसरा सवाल यह हुआ कि कौन सा फंगस था, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो पहली लाइन में हमको दो आंसर मिल चुके हैं। आगे देखिए, कहां पर यूज्ड किया जाता है, तो यूज्ड एज इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट। इम्यूनिटी को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तीसरा मिल गया आंसर। साइक्लोस्पोरिन ए फंगस से निकाला गया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम उसका नाम है। इसका प्रयोग इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट के रूप में करते हैं। कब करते हैं, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी। ट्रांसप्लांट सर्जरी में, वो भी पोस्ट पेशेंट में करते हैं, मीन सर्जरी के पहले भी और सर्जरी के बाद भी करते हैं इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। किडनी है, लीवर है, हार्ट है, आप जानते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं आप। तो ये तीन के बाद ये चौथे नंबर का आंसर मिला। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी में कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं, ये दूसरी बात है कि आज हम साइक्लोस्पोरिन ए देख पा रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू में हमको अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। क्या किया, इट प्रिवेंट टिश्यू रिजेक्शन। किस प्रकार से मदद करता है, ये पांचवें नंबर का आंसर हो गया। टिश्यू रिजेक्शन, जो टिश्यू मींस ऑर्गन, लंग्स है, किडनी आपने लिया है, उसको टिश्यू रिजेक्शन से बचाव करता है। और ये साइक्लोस्पोरिन ए रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है, तो एक प्रकार का स्टेरॉइड ग्रुप है। ये नंबर आपको 6 मिल गए हैं। जो साइक्लिक नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स है, जो कि साइक्लिक नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स है और 11 अमीनो एसिड का बना हुआ है। तो क्वेश्चन 4, 5 हो गया, 6 हो गया। नॉन साइक्लिक के लिए आप 7वां नंबर कर सकते हैं, राइबोसोमल पेप्टाइड के लिए जो कि 11 अमीनो एसिड का बना है। तो इस साइक्लोस्पोरिन ए की शॉर्ट वीडियो में हमको 8 महत्वपूर्ण आंसर मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5 लाइंस और 8 आंसर याद देने की क्षमता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण स्लाइड को हम सलूट करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन सवालों के जवाब को याद रखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।